गीता में बिलीव करता है। ही स्ट्रेस्ड बाय द गीता। जो गीता आपने घर के अंदर बंद करके रखी हुई है लाल पोथियों में, उसे बाहर निकालिए, पूरा घर मेरा है। अब मैं बात करूंगा, मैं 10,000-20,000 करोड़ की बात कर रहा हूँ। लोग बदलते हैं, इट्स अ साइकिल, पीपल कीप वर्किंग, टेक्नोलॉजी इज द सेम। हाय, दिस इज पुनीत इस्सर एंड यू आर वाचिंग मी ऑन टेली मसाला। हेलो, हाय, नमस्ते, मैं हूं अंबिका सिंह। स्वागत है आपका टेली मसाला में। तो आज हमारे साथ है पुनीत सर, जिन्हें कोई भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, आप उन्हें बहुत अच्छी तरह जानते हैं। बट सर का नया शो आ रहा है वंशज। तो सर, सबसे पहले तो कैसे हैं आप? कैसा लग रहा हूं? एकदम फिट एंड फाइन। सो सर, वंशज आ रहा है, आपके कैरेक्टर के बारे में जानना चाहेंगे। बहुत ही सशक्त, बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है भानु प्रताप महाजन का। ये इस फैमिली का सरगना है, ही इज़ द पेट्रियार्क ऑफ द फैमिली, और जो अपना जीवन है वो अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर जीता है और गीता में बिलीव करता है। ही स्ट्रेस्ड बाय द गीता। और उसका आप मानना है कि जो हमारी जो गीता है वो कोई धार्मिक या रिलीजियस टेक्स्ट नहीं है, वो एक मैन्यूल है रोज़मर्तबा की ज़िंदगी जीने का। आप अपने घरों से जो गीता आपने घर के अंदर बंद करके रखी हुई है लाल पोथियों में, उसे बाहर निकालिए, उसे पढ़ें, उसे गुणें और उस पर अमल करें और बेहतर इंसान बने। सर, पिछले कई सालों से आप इस इंडस्ट्री में हैं, अलग अलग किरदार आपने निभाया है, हर किरदार को आपको इतना ही प्यार भर भर के मिला हुआ है। लेकिन जब ये आपने कैरेक्टर के लिए आपने हाँ बोला और अभी आप शूट भी कर रहे हो, क्या कितना कुछ अलग लग रहा है आपको? जब सिद्धार्थ तिवारी जी ने मुझे बुलाया तो मुझे इस कॉन्सेप्ट सुनाया, मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा दिस शो विल वर्क। बट स्पेशली सोनी साहब जो विख्यात हैं, जाने जाते हैं अच्छे हल्के फुल्के लाइट हार्टेड कॉमेडी प्लेस के लिए, तो उनका एक जो अब उन दायरा बढ़ा है, इट्स अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में उन्होंने अब वो एक नया शो लेके आ रहे हैं, हर पहलू को, हर इमोशन को टच कर रहे हैं। तो मुझे लगा यार ये कुछ चीज़ होनी चाहिए। और मैं देख रहा जिस तरह वो लोग प्रमोशन कर रहे हैं काबिल तारीफ़ है, ऐसी प्रमोशन। तो दैट मीन्स उनका विश्वास है इस शो में। सो वो अपने आप में वो दर्शाता है, वो अपने आप में बयां करता है कि वो चाहते हैं कि ये लोग देखें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि वंशज जो है ये लोगों के दिलो दिमाग में उतरेगी। सर, सेट भी काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है शो के हिसाब से। प्रोमो में भी आप लोगों का वो जो रुतबा है एकदम हटकर है, मतलब प्रोमो से ही लोगों का दिल जीत रहे हो आप लोग। तो सेट का ये जो सेट बना हुआ है, आपका फेवरेट कॉर्नर कौन सा इसमें? पूरा घर मेरा है। नहीं, देखिए आप, देखिए कि एस्थेटिक्स, इसे इट इज़ नॉट दैट कि गॉडी नहीं है, मेरा बहुत ही प्रॉपर इंटीरियर डिज़ाइनर्स के दिमाग यूज़ किए गए हैं। अगर एक हम बात करते हैं भाई, जैसे आज अंबानीज हैं या द रिचेस्ट द टाटाज हैं, बिरलाज हैं, तो आप उनके घर जाइए, उनके घरों की एक एक फिनिश, एक एक जो फिनिश है, एक एक जो उनका जो चीज़ें हैं, तो वो मेंटेन करने की उन्होंने कोशिश की है। कलर स्कीम्स कहिए, पर्दे कहिए, सोफ़ा सेट्स कहिए, कालीन कहिए, तो एक ह्यूज, तो वो एक आपको लग रहा है कि ये यार वाकई ये बहुत ही किसी बहुत ही अमीर समृद्ध व्यक्ति का घर है। जितना ग्लैमरस दिखाया जा रहा है घर में, जितना सब चीज़ों की फैसिलिटी मिल रही है, मुझे आपको अंदर से अंबानी वाली फीलिंग आ रही है? नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं आ रही? आप देखिए, बिकॉज क्या, जब आप रोल करते हैं, आपके आपका जो कैरेक्टर है, जो आपके कपड़े हैं, जो आप पहनते हैं, जो आप करते हैं, सो उसमें फिर आप अपने आप को ढालते हैं। अब मैं बात करूंगा, मैं 10,000-20,000 करोड़ की बात कर रहा हूँ, हाँ जी, अरबों खरबों की। और मैं रबर की बाटा की चप्पल पहनूंगा तो कैसे चलेगा? वो नहीं चल सकता। तो दैट इज़ व्हाट जो प्रोड्यूसर्स हैव टेकन, बहुत ध्यान दिया है हमारे कि भैया एक एक कपड़े कहिए, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल टॉप नॉच होनी चाहिए। जी सर, क्योंकि वो कॉस्ट्यूम वगैरह भी देख के, क्योंकि जितने भी कैरेक्टर्स, सबका कॉस्ट्यूम भी काफ़ी अलग दिखा रहा है। और इसी के साथ ही सर, कॉस्ट्यूम का जब मैंने नाम लिया, पिछले कई सालों से आप इस इंडस्ट्री में, ऐसा कह सकते हैं जब इंडस्ट्री ज़ीरो थी तब से आप अभी तक हैं। सो शूटिंग पैटर्न में आप कितना बदलाव देख रहे हैं? शूटिंग तो वही होती है जी, बस ये है कि लोग बदलते हैं, इट्स अ साइकिल, पीपल की वर्किंग, टेक्नोलॉजी इज द सेम। जो चीज़ जो कांस्टेंट रहती, देखिए नथिंग इज परमानेंट एक्सेप्ट चेंज, चेंज इज द ओनली थिंग विच इज़ कांस्टेंट। तो मैं जैसे वो एक कहावत है, मैं समझता हूँ कि आज के बाद भी आगे भी ज़िंदगी चलती रहेगी, फिल्म इंडस्ट्री चलती रहेगी, लेकिन हार्ड वर्क इज़ गोइंग टू बी कांस्टेंट। जो हार्ड वर्क करेगा, जो दिल से काम करेगा, वो टिका रहेगा। तो सर महाभारत की बात करेंगे, उसमें आपके साथ गूफी सर ने काम किया था जो अब नहीं रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं उनकी आत्मा के लिए, शांति के लिए प्रार्थना करूँगा। बहुत ही बढ़िया इंसान थे, हमारा बहुत लंबा एसोसिएशन रहा। आज वो हमारे बीच नहीं है। ईश्वर उनकी आत्मा को सद्गति दे। तो लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे फैंस को शो के लिए? ज़रूर देखिएगा 12 जून रात 10 बजे सोनी सब पर। इट्स अ ब्रिलियंट शो एंड दिस इज गोइंग टू ब्लो योर माइंड। थैंक यू सो मच सर एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आपके कैरेक्टर को जैसे प्यार मिला है, शो को भी आई एम श्योर, मैं एकदम ही श्योर हूँ मिलेगा ज़रूर। सो गाइस, आप भी सर के शो को इतना ही प्यार देना जैसे आप आज तक आपने उन्हें देते आए हो। और हाँ, रात 10 बजे 12 जून से। कैमरामैन विनय के साथ अंबिका सिंह।